नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल चुनाव के सबसे चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में। 2021 विधानसभा में जब उठा पटक जब तेज हुई, तब पश्चिम बंगाल सरकार के नंबर दो के कहे जाने वाले टीएमसी के प्रमुख नेताओं में से एक ममता बनर्जी के सबसे पसंदीदा नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने ममता का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। हम बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक कैरियर की। शुभेंदु अधिकारी जनाधार वाले प्रभावशाली नेताओं में से शुरुआत से ही थे। शांति पी के कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करते हुए राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने छात्र परिषद का चुनाव लड़ा एवं वहां विजय प्राप्त की और वह छात्र परिषद के प्रतिनिधि बने। इसी साल 1989 में ही नगर पालिका गांधी नगर पालिका के चेयरमैन भी चुने गए। यह उनके कैरियर की मात्र शुरुआत थी, मगर उन्हें बंगाल में प्रमुख चेहरों के रूप में पहचान 2007 के बाद मिली, जब उन्होंने 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूर्वी मिदनापुर में 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के अहम भूमिका निभाई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में शुभेंदु अधिकारी भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। इस प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलीबारी भी की, मगर शुभेंदु ममता पीछे नहीं हटे और इससे वाम सरकार को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। टीएमसी के बढ़ने के साथ ही शुभेंदु का कद भी बढ़ता ही गया और उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2009 में टीएमसी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे, 2014 में फिर से संसद पहुंचे और 2016 में नंदीग्राम विधानसभा, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी, विधानसभा से विधायक बने और ममता सरकार में मंत्री भी बने। मगर 2021 में उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा और ममता बनर्जी को परास्त किया। शायद यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।